नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता है। मैं मेदांता हॉस्पिटल रांची में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ पिछले 6 सालों से। आज मैं यूरोलॉजी के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर हम लोग रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी के बारे में बात करें तो रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी से मतलब है कि वैसे कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स या डिसऑर्डर जो कि जन्मजात होते हैं, जो कि ज़्यादातर बच्चों में पाए जाते हैं, और ये जन्मजात कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर या तो किडनी या किडनी की ड्रेनेज पाइप, यूरेटर, ब्लैडर या फिर जननेंद्रिया को अफेक्ट करते हैं। तो जैसी स्थिति रहती है उसका पूरा मूल्यांकन किया जाता है, उसका पूरा इवैल्यूएशन किया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। अगर हम लोग बात करें कॉमन रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी की, तो इसमें बच्चों में पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसका मतलब है कि किडनी का पेशाब जो है वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में नहीं आ पा रहा है, उसके ऊपरी हिस्से में जिसको कि पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन बोलते हैं वहाँ रुकावट है। तो उसकी पाइलोप्लास्टी सर्जरी जो कि एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है हम लोग करते हैं। तो आजकल काफ़ी एडवांसमेंट आ गया है, ये हम लोग लैप्रोस्कोपिकली भी करते हैं और लेटेस्ट हम लोग रोबोटिक पाइलोप्लास्टी भी करते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा जहाँ पे पेशाब के रास्ते में सिकुड़न हो जाती है, ये या तो जन्मजात तो कम होता है लेकिन अक्सर इन्फेक्शन या कई बार कारण का पता नहीं चलता है, ट्रोमा, इन वजहों से भी होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यूरेथ्रोप्लास्टी जैसी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी करते हैं। तो यूरेथ्रोप्लास्टी जैसी सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी का योगदान कम है, पर आज के डेट में हम लोग जो सबसे लेटेस्ट इसमें ट्रेंड्स है वो ये है कि हम लोग इसमें सेल थेरेपी भी करते हैं। पहले हम लोग बकल म्यूकोजा का पूरा एक ग्राफ निकालते थे और उसको यूरेथ्रा में डालते थे और नियो यूरेथ्रा बनाते थे, बट रिसेंटली अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में भी है कि हम लोग कुछ एक सेल्स निकालते हैं, उसको लैब में ग्रो करते हैं और उसका एक हाई कंसंट्रेट को यूरेथ्रोटोमी जैसी एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के बाद एट द साइट ऑफ यूरेथ्रोटोमी डाल देते हैं, तो उससे नए यूरेथ्रा का निर्माण हो जाता है और स्ट्रक्चर यूरेथ्रा काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो ये सारी जो एडवांसमेंट हैं रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी में विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स, विद द हेल्प ऑफ द सेल थेरेपी, इलाज काफ़ी इफेक्टिव हो गया है और मिनिमली इन्वेजिव भी हो गया है, मतलब कम से कम चीरे में ही मरीज का अच्छा से अच्छा रिजल्ट आने लगा है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी इसका अच्छा होता है।